देखिया जाए असलकुम फैज़ भाई आपने जो आज जो बात जो की है ये बात आम मस्जिदों में पर ऐसा कहीं हुई तो कितनी अच्छी बात होंगी जैसा कि अब यहाँ जैसा आपने जो बात की है आपने जो बोले सबके जैसा जो भी समझे जो लोग कम रहते हैं ऐसा जैसा जुम्मे की नमाज में खुतबों में जब होते बयान होती है जैसा आपके पास जो बात आती है ना जैसे दूसरी तरफ कई मस्जिदों में नहीं होती है बात ये कहना है मेरा ऐसा कोई बड़ा ऐसा जलसा में ऐसा कुछ प्रोग्राम करें आपका तो हाँ आम पब्लिक को मालूम होगा मैंने सवाल किया जो बात उन्होंने यहाँ सुनी आम पब्लिक में जाना चाहिए ज़्यादा लोग उसको सुने देखिए हम लोग जो लोग रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ जो भी वनवान बोलते हैं चाहे आप लोग दस हो बीस हो पचास हो या रमज़ान कॉन्फ्रेंस में दो चार हज़ार लोग होते हैं बात एक ही है क्योंकि जब बात होती है तो रिकॉर्ड होती है कैमरे पर जब रिकॉर्ड होती है तो फिर ये नेट पर जाती है नेट पर जाती है तो उसको देखने वाले बहुत बहुत ज़्यादा लोग होते हैं मतलब फिर वैसे ही होता है जैसा बहुत लोगों में गई क्योंकि अब आजकल मुश्किल ही फिज़िकली लोग यहाँ आते भी नहीं एक तो जगह भी कम होगी पहले तो भी साठ लोग आते थे अब तो सिर्फ तीस लोग आते हैं जगह के अलावा बहुत सारे मसाइल अब कैमरे पर हर आदमी आते तो हर आदमी आना नहीं चाहता कैमरे तो कुछ लोग इस वजह से कम हो गए यार कैमरे में रिकॉर्ड में आ जाते हैं हमको रिकॉर्डिंग में नहीं आना कुछ लोग ए की वजह से नहीं आते उनको ए नहीं जमता कुछ लोग किसी और वजह से नहीं आते कि भाई पहले बहुत सादगी थी अब लाइटें वाइटी बहुत ज़्यादा हाईफाई हो गई ऐसा तो नहीं ये वक्त और हालात की जरूरत है उसके तहत अपने आप को हम अपडेट करते हैं लेकिन फिर भी इंटरनेट के थ्रू जब ये रिकॉर्ड होकर चला जाता है तो ये अगर बेसिकली सिर्फ एक टीवी चैनल पे भी चलता है एक टाइम में तो बीस से पच्चीस लाख लोग उसको एक टाइम में देखते हैं फिर उसके बाद यूट्यूब पर जाता है और यूट्यूब पर इसकी तो अपनी ज़िंदगी है जैसा एक मिसाल के तौर पर मिया बीवी के झगड़े बोल के एक लेक्चर हमने लिया अब यूट्यूब पे अपलोड हुआ दो हफ्ते ही हुए तकरीबन उसको साठ हज़ार लोगों ने देखा तो ये हो रहा है काम मतलब जो यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है आप लोग तो कम हैं लेकिन उसके बावजूद जारी लेकिन जो आपका सवाल का हिस्सा था दूसरी जगह भी आम होना चाहिए ऐसी चर्चा ऐसी बात मस्जिदों में जुमा ख़ुदों वगैरह में देखिए असल मसला है कि हमारे खतीब हज़रा वगैरह इसके लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं जुमा के बने बनाए खुतबे पता नहीं कितने ज़माने से बनाए हुए उसी को सिर्फ रिपीट करते चले जा रहे कर पढ़ रहे हैं और अगर बोल भी रहे बगैर देखे कि तो क्या कर रहे मेहनत नहीं कर रहे पब्लिक को क्या टॉपिक चाहिए उस पर नहीं कर रहे जो उनको समझ में आ रहा है कि ये इंपॉर्टेंट है उस पर बोल रहे हैं फिर तो साल तय कर लिया मुहर्रम आया तो चार खुदबे मुहर्रम पे दे दी सफर आओ तो चार खुदबे सफर पे दे दी लेकिन ये ख़ुबे दस साल से आप रिपीट कर रहे मुहर्रम के चार और सफ़र के चार अब चेंज भी तो होना ना हमने भी पहले चार साल पाँच साल रिपीट किए खुबों को फिर उसके बाद हम बोले नहीं अब मुहर्रम आए सफर आओ हो गए रिकॉर्डिंग हम अब आगे बढ़ो अब कोई मुहर्रम आए तो हम चेंज नहीं करते टॉपिक कोई सफ़र आए तो नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी सफ़र मुहर्रम रबी मुहरम रबी सानी जमा जो सब मैंने रिकॉर्ड कर दिया पूरे बारह महीने जिसकी फजाइल और जिसमें बदत ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दी हमने भाई जिसको देखना है मुहर्रम मुहर्रम रेडी है जिसको देखना है सफ़र सफ़र भी डाला हुआ जिसको देखना है रबिल सब डाला इनमें की जाने वाली बिदत भी इनमें इन अमल सुन्नत क्या वो भी है लिहाजा चूँकि हम लोगों ने रिकॉर्ड कर लेते हैं तो रिकॉर्डिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि जाते हैं लेकिन लोगों का काम है अपने आप को अपडेट करें रिपीट ना करें खुदों को अगर रिपीट करें तो एक मुहर्रम आपने चार खुदबे मुहर्रम पे ली अगले साल दो लो उससे अगले साल एक ही लो बाकी तीन अलग अलग, अलग, अलग खुदबों के लिए ताकि बावन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली पचास जुमे आते हैं एक साल में बावन आते हैं बावन पचास तीन सौ पैंसठ दिन ले तो बावन अलग अलग, अलग, अलग खुदबे मेरे हिसाब से होना चाहिए और अगर अगले साल आपने रिपीट भी कर दिया सर रमज़ान के फ़जाइल पर एक रिपीट कर दिया मुहरम पर कर दिया तो एक पाँच दस बीस रिपीट होना तीस एक नए बनना लेकिन वहाँ पर वैसा नहीं है खुद बने बनाए हैं खतीब दस दस साल से सेम खुद बस मतलब कभी काटता जुमा में ऐसा होता कि जाते लगता रहे ये दो साल पहले का अभी चल रहा है एक साल पहले ही बोले थे उन्होंने कपड़े भी सेम पहने हुए समझना इतना रिपीटेशन ऑफ वर्क हो रहा तो अगर खतीब मेहनत करेंगे ना ताकि आवाम को नई बातें मिले तो इन ये हो सकता है और अगर नहीं करेंगे तो बहरहाल फिर मसला हम लोग क्या करते हैं हफ्ते भर इसी मेहनत करते हैं एक नया टॉपिक कुछ बनाया जाए ताकि लोगों तक सही बात पहुँचे तो उसमें मेहनत हो रही है तो मेहनत की बहरहाल इस मसल अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम में तौन करें अपनी zakat और sadaqat के लिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट अस पर क्लिक करें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सब आपके खैर बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे youtube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हम दीगा सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी सर्च करें जज़ाकअल्लाह